12 अप्रैल नूं एक मंदभागी घटना अपने जिले में वापरी सी जदों तड़के सवेरे 4:30 बजे करीब चार जवान जिहड़े हैगे आर्मी दे अंजाम दिता जिहदे नाल सानूं शक हो गया कि कितें टैररिस्ट इंसीडेंट ना होवे। बट जदों आपां इन्वेस्टिगेशन इहदी शुरू कीती अगली तो सानूं इह क्लीयर होया कि जिहड़ा एक वैपन कुछ एक दिन पहला चोरी होया सीगा इंसास राइफल उहदे नाल कुछ कारतूस भी जिहड़े हैगे चोरी होए सीगे उही वैपन जिहड़ा हैगा वो इस इंसीडेंट विच यूज़ किया गया सी। और सानू पता है कि जदों इहो जिहे इंसीडेंट विच कोई वैपन इंटरनल यूज़ होवे तो हमेशा यह मान्या जाता है कि कोई ना कोई इंटरनल बंदा ही इहदे विच इनवॉल्व है। आर्मी दे नाल साडी चंगी जिहड़ी हैगी है सर्च ऑपरेशनस और तफ्तीश जिहड़ी हैगी है लगातार आपां एक दूजे नूं कोऑपरेट करते रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करदिआं होया कल सानूं एक ब्रेक थ्रू मिलिया जदों आपां कुछ एक बंदिआं नूं शक दे आधार ते पुछगिछ वास्ते अपने कोल बुलाया होया सी। तो जिहड़े बंदे ने सानू इतलाह दित्ती सी कि 4:30 बजे उन्हें दो बंदिआं नूं कुर्ता पजामा पा करके भजदे हुए जंगल वल नूं देखिआ है उहदी पुछगिछ जदों फर्क आया बार बार उह बयानां नूं चेंज कर रहा सी ते असीं उहदी सख्ताई दे नाल थोड़ी पुछगिछ कीती तां उहने मन्निआ कि वह जिहड़े चार जवानां नूं मारिआ गिआ हैगा उहदे वल्लों ही मारिआ गिआ है और उसने कुछ एक दिन पहलां यह वैपन इंसास दा जिहड़ा हैगा 20 कारतूसां दे नाल मैगजीन समेत ते 8 राउंड जिहड़े सीगे LMG दे उह चोरी कीते सीगे ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ SHO ਕੈਂਟ DSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ FPD ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 19 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। और कल जदों इन्हें सारा कुछ डिस्कलोज किया उस तो बाद असी जा करके आर्मी एरिए काफ़ी थोरो सर्च ऑपरेशन चलाया और यदि निशानदेही तो आप उतों कुल 7 कारतूस बरामद किए हैं ने जिदे 6 कारतूस जिंदा सके जोड़े इन्हें 8 कारतूस चोरी किए थे LMG वो सी और एक मिसफायर होया जो इन्हें बंदियां नूं मारन की कोशिश की सी उदों पहला राउंड इहदे कोलों मिसफायर होया जिहड़ा इन्हें उठा के अपनी जेब पा लिया और इंसीडेंट करन तो बाद नेड़े दे एक सीवरेज पिट विच इन्हें ले जा करके वो सारे दे सारे 8 कारतूस जिंदा ते एक जिहड़ा यूज्ड कार्ट्रिज सीगा ओह ते वैपन यह सारी चीज़ां ने ले जा करके उहदे विच डंप करतीआं सीगीआं। वैपन सानू उसे दिन बरामद हो गया सीगा और बाकी दे कारतूसां विचों 9 कारतूसां विचों सानू 7 कारतूस बरामद हो गए ने। बाकी आर्मी दे नाल सांझा ऑपरेशन साडा हजे भी कैरिंग ऑन है उत्थे चल रहा हैगा। जिहड़े एक बैग दे अंदर इन्हें वैपन छुपा के रख्या सीगा वह वैपन वो बैग भी आपां बरामद कर लिया है ते जिहड़े कपड़े च इन्हें लुका करके कारतूस रखे सीगे वह आपां कपड़ा भी बरामद कर लिया हैगा। इहदे कोल कारण मैं तुहानू दस रहा है यदि परसनल रंजिश सी कुछ एक कारण करके ए आपस में रंजिश रखते सके जिन्हां दे हालातों में इन्हें जा करके वह बंदिया कतल करता एदा देसाई मोहन नाम है। सारे संतरी ड्यूटी तो कह लो तुसी एक तरीके दे नाल सारे उत्थे एक पॉइंट ते ही 6 बंदे तैनात सके और सांझी ड्यूटी करते होंगे सी वारी वारी उहदे विचों एक बंदा यह सीगा जिन्हें ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਿੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਪਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵੈਪਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਥੋਰੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੈਨ ਹੀ ਰਿਵੀਲਡ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 9 ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੱਟ 'ਚ ਉਸ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਥੋਰੋ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸਰਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। FIR ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਮੂਲ ਭੋਲ ਗਿਆ ਖਿਲਾੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 4:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਨਕੋਕਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓਜ਼ ਮੈਸ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਚੁੱਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
वह वैपन उत्थे यूज़ भी होया तो इन्हें कहता कि वैपन ए वाला जिहड़ा हैगा इंसास राइफल वह बंदे दे हाथ च हैगी है क्योंकि दूजा कोई होर वैपन नहीं सीगा तो इन्हें एक फरसे या कुल्हाड़ी का जिहड़ा हैगा नाम ले लिया कि दूजे बंदे दे हाथ च एक कुल्हाड़ी सीगी। हिंदी नाल जो मारने वाला है वो अनमैरिड है और जो सारे डेथ हुए हैं वो भी अनमैरिड है। सर कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? इसकी डिटेल जो है वो अभी इस वक्त डिटेल मुझे आई है। दो बंदे तमिलनाडु के हैं, दो कर्नाटका के हैं और जिस बंदे ने मारा है ही इज फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश। हाँ जी सर, जिदा इस 302 दे जो सेक्शन 54 एक्ट दा मुकदमा दर्ज किया गया तो इसको अलावा जिदा कि गुमराह कीता है पुलिस नु ते आर्मी ने। देखो जी हजे वी हैव पुट हिज अरेस्ट, आपा हुन कोर्ट पेश करा करके एदा रिमांड लवांगे, ओदे विच अग्गे हजे दी होर पुछगिछ करांगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन विच आऊगा उस हिसाब नाल वादा जुर्म या जो काटा जुर्म करना होगा उस हिसाब नाल तफ्तीश जिहड़ी हैगी अपना अपना रूट आप लवेगी। सर जिस तरह सर देखो जी सीसीटीवी कैमरे हैगे ने बट पॉइंट इज कि जिहड़ा ए सेंसिटिव एरिया हैगा वी कैन नॉट डिस्क्लोज किन्ने सीसीटीवी कैमरे उत्थे लगे हुए ने। देखो जी जदा जिहड़ा कातल हुंदा हैगा वह अपना दिमाग भी वरतदा हैगा कि किहड़े पॉइंट तो छुप के निकल सकता हैगा, किहड़े पॉइंट ते सीसीटीवी कैमरे जे चीज़ कैद नहीं होगी। इसे करके जिहड़ा हैगा सीसीटीवी कैमरे जे सानू आ चीज़ नहीं लभी और पॉइंट इज कि जिहड़े बंदे ने कतल कीता सीगा वह शुरू तो ही इन्वेस्टिगेशन नू गुमराह करन की कोशिश जिस तरह तुसीं भी आप कहा करन की कोशिश कर रहा सीगा ते हुण एवरीथिंग इज़ क्लीयर। वह बंदे की आपां अरेस्ट पा ली हैगी है, उन्होंने कोर्ट पेश करा करके आप रिमांड लै करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करांगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन दौरान आऊगा उस हिसाब से कार्रवाई करांगे। सारे एक ही यूनिट नहीं, हजे तक होर किसी की कोई शक्की भूमिका नहीं आई हैगी है बट फिर भी साड़ी तफ्तीश जारी है। टैक्निकल तौर पर भी जो मोबाइल है उन्होंने फॉरेंसिक्स की जा रही हैगी है, वो तो भी जो गल्लां सामने आऊंगी उसकी CDR की पड़ताल कर रहे हैं, वो तो भी जो गल्लां सामने आऊंगी उन्होंने सारे रखद हो एक कट्ठी जी है आप वधिया तरीके नाल डीप इन्वेस्टिगेशन जी वो करांगे। सर जिस तरह सर जिस तरह होर इंसीडेंट वापरे सी जिदे विच इक होर आर्मी दे जो एक्सीडेंट हुंदा सी जां कुछ कंसर्न तां नहीं? नहीं एदे नाल देखो मैं पहला भी एक गल तुहानू क्लीयर कीती हैगी है कि यह दोनों एरिया डिफरेंट हैगे ने और जिहड़ा वो इंसीडेंट होया सीगा वो सैपरेट इंसीडेंट सीगा, वो बंदे ने अपने कनपट्टी ते वैपन रख करके जिहड़ा हैगा वो वैपन चलाया सीगा सुसाइड कीता सीगा और आ यूनिट और वो यूनिट डिफरेंट हैगियां ने, दीज आर बोथ डिफरेंट यूनिट। कौन सी है इस वक्त उसका नाम लेना ठीक होगा? नहीं नहीं इस यूनिट का नाम बता दें, ये किस यूनिट का है? ये मीडियम रेजिमेंट है। सर जिस तरह 12 तारीख की है घटना 4:30 बजे की, हाँ जी उन्हें बंदे ने मर्डर करते फायरिंग करती इस 5 दिन फिर वो कैंट च रहया कि तुहानू पुलिस सेव दिंदा? नहीं नहीं बिल्कुल, देखो जी ही वॉज इन कैंटोनमेंट एरिया, आर्मी की भी अपनी पड़ताल चलती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती हैगी है, पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन चलती हैगी है, बोथ वर गोइंग पैरेलल। असी सांझा ऑपरेशन करके जरा हैगा ए बंदे नू हुन नैप कर लिया हैगा, अरेस्ट कर लिया हैगा, ही वॉज विद अस ओनली, उन्हें कितने भजन की कोशिश नहीं की थी। देखो जी पहला असी पहला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, उत्थे पूछगिछ हो रही थी, काफ़ी डूंगाई नाल पड़ताल उत्थे भी की हैगी है, उत्थे भी उन्हें कई तरीका दी कहानियां बना बना करके दसियां जिदे बेस से साडा शक जिहड़ा हैगा लगातार पक्का हुंदा चला गया। फिर असी जदों अपने कोल लै करके आए उन्हूं जदों पुछ पड़ताल की उहदे विच उहदे कुछ स्टेटमेंट सीगे जिहड़े कि वक्रे वक्रे टाइम ते वक्रे वक्रे स्टेटमेंट दे रहा सीगा, उसे करके सानूं शक जिहड़ा हैगा साडा वधदा गया और फिर जदों आपां डुंगियाई नाल उहदी पुछगिछ की तां ही रिवील्ड एवरीथिंग जिहड़ी कि उहने की सीगी। देखो जी बिल्कुल सज़ा होगी, इहदे विच मैं तुहानूं दस रहा हैगा आपां साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैगे आ और जो जो एंगल ये सानू कवर करन दी कोशिश हैगी है वो आप करांगे। वी हैव ऑलरेडी जिहड़ा हैगा रिकवर्ड दी एमुनिशन ओदी निशानदेही ते ले जा करके आप मौके ते एमुनिशन रिकवर किए हैगे ने, वो जिहड़ा पाउच हैगा जिहदे च उन्हें वैपन रख्या सीगा वो रिकवर किया हैगा, जिहड़े पाउच च उन्हें खोल रखे सीगे जिहड़े कारतूस रखे सीगे वो भी रिकवर किया हैगा। तो आई थिंक जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन साडी हैगी वो बिल्कुल ठीक रूट ते चल रही हैगी है, आफ्टर गेटिंग इट क्लीयर कि यही बंदा हैगा जिन्हें यह किया हैगा ऑफेंस, ता ही आप सामने आकर के बैठ करके इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी साथ साथ जो इंटरनल इंक्वायरी होती है वो चल रही है ऑलरेडी, लेकिन अभी चूंकि ये एक मर्डर का केस है तो ये पुलिस के थ्रू रूट होता है
और जब पुलिस का ये कार्रवाई चलेगा, साथ ही साथ हमारी जो भी लीगल प्रोसीजर होंगी, जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगी उसमें आर्मी उसी तरह से पार्टिसिपेट करेगी। जिन्नी की पड़ताल आप हूँ तलक की है, इस सुते हुए बंदे को इन्हें वेपन चोरी किया सीगा, बाकी हूँ हजे डूंगाई नाल जी पूछगिछ करनी रही हैगी है कि कड़े हालात कितों किस पॉइंट तेने वेपन चोरी किया है, वो सारा कुछ आप कुछ पड़ताल हजे कर रहे हैं। सर रिमांड दिता है, पुलिस रिमांड है हजे पेश करा रहे हैं, पेश कराने तो बाद सानू जिहड़ा हैगा रिमांड मिल जूगा। थैंक यू थैंक यू। सर एक होर एन आई ए का कोई केस हैगा दिल्ली का, जिद उन्होंने लॉरेंस का रिमांड लिया है, उन्होंने पेश कराने वास्ते साडी टीम गई हुई है। उस तो बाद उत्ते पेश कराने तो बाद एन आई ए पुलिस कस्टडी लेंदी है कि नहीं लेंदी है, डिपेंड्स ऑन एन आई ए ओनली। तो साडी टीम जरूर गई हुई है उत्थे पेश कराने वास्ते, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ जी हाँ, चलते हैं।